मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा उषा साहब, अगर इफ यू आर ए सेकुलर पार्टी, आपकी अगर सेकुलर पार्टी है तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन टू इंडिया। आप इंडिया में आ जाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा उषा साहब। आप कहाँ अकेले अकेले चल रहे हैं? अगर माली कहें आप 2000 काट लिए, 5000 काट लिए, वहां तो भाजपा जीत गई ना माली। ठीक है, हमारे युवा तो समझदार तो बहुत बहुत कम ना है, 10% आपके बातों में चला आएगा। तो 10% अगर आप ले लिए और वो वोट अगर जो हमारे विनिंग प्रत्याशी को मिल जाता है जीत जाएगा, अगर नहीं मिलता तो भाजपा को सीधा लाभ मिलता है। तो इसको रोकिए अभिषेक साहब, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी देखिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, हम लोग सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और डुमरी को पहचान मिला है पूरे वर्ल्ड में। तो क्लिप आपने देखा है, ये झारखंड के एक मुस्लिम मंत्री का क्लिप है। ये कह रहे हैं अपने क्लिप में कि वैसी साहब आप इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाइए और बीजेपी को हम सब मिलकर जो है साथ में हराएंगे, इसीलिए आप इनके साथ हमारे साथ यानी शामिल हो जाइए और बीजेपी को हराने में जो है हमारी मदद कीजिए अगर आप सेक्युलर पार्टी है तो। ये कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं ये जेएमएम के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मुस्लिम मंत्री। अब मैं आपको बता दूँ, या तो इनको पता नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं और सिचुएशन क्या है, इंडिया गठबंधन का सिचुएशन क्या है और एएमएम का सिचुएशन क्या है, या तो इनको बिल्कुल पता नहीं है या फिर जो है ये लोगों को, मासूम जो लोग हैं, मासूम जो जनता है, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भैया हम तो बुला रहे हैं एमआईएम पार्टी को, लेकिन एमआईएम पार्टी खुद नहीं आ रही हमारी गठबंधन के अंदर और एमआईएम पार्टी इस तरीके से अलग चुनाव लड़ रही है और इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर ये बीजेपी के पर काम कर रही है, या तो ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है दोस्तों, हकीकत ये है कि एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, वहां के बिहार के जो स्पोक पर्सन है आदिल हसन साहब, उन्होंने साथ के साथ एआईएमएम के जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साथ के साथ एमआईएम के जो दूसरे एमपी औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने इन सब नेताओं ने जो है एक बार नहीं बल्कि कम से कम 85 बार ये कहा होगा कि हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि इस बार 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हो तो उसके अंदर बीजेपी को बहुमत प्राप्त ना हो, बीजेपी को जो है सरकार ना बने, इसीलिए हम सब जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, हमें भी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कर लो, हमें भी अछूत जो है ना बिल्कुल भी ना समझो, हम भी चाहते हैं बीजेपी को हराना, हम भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे आपसी अख्तिलाफात अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर हम भी शामिल हो जाएं, यानी को भी शामिल कर लो और हमको भी 2-4 सीट दे दो, हम भी साथ मिलकर जो है बीजेपी को हराने में आपके साथ मदद करेंगे, आपके साथ देंगे। ये एआईएमआईएम के अलग अलग नेताओं का अलग अलग जगह पर बयान है, एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार इस तरीके का स्टेटमेंट दे चुका है न सिर्फ एक नेता बल्कि बहुत सारे नेता लोग। लेकिन अब इस तरीके की बात ये कर रहे हैं जेएमएम के जो मुस्लिम मंत्री है, इससे साफ पता चल रहा है या तो इनको पता नहीं है कि देश के अंदर हो क्या रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर स्टेटस क्या है, या तो इनको पता नहीं है या फिर ये जो है दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके का हालात है इसीलिए आप एमआईएम को वोट ना करें और एमआईएम जो है ये बीजेपी की टीम है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर 26 पार्टियां थी पहले, लेकिन अब जब महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग हुआ तो 2 और पार्टी को अंदर शामिल कर लिया गया, एक है उसमें से पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, इसके साथ एक और क्षेत्रीय पार्टी है, तो यानी कुल मिलाकर 28 पार्टियां शामिल हो गई है इस गठबंधन के अंदर। और यह मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पार्टियों को जो है आप उनके बारे में जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि आरजेडी है, आरएलडी है, पीडीपी है, अपना दल है, सीपीआईएमएल है, केरला कांग्रेस है, एआईएफबी है, केएमडीके है, एमएमके है, ये सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक भी संसद नहीं है लेकिन फिर भी इनको शामिल कर लिया गया है कि भैया बीजेपी को हराएंगे, आओ साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि आप यानी कि केजरीवाल की पार्टी, जेएमएमएम, ये ऐसे पार्टियां हैं जिनके पास सिर्फ एक सांसद है लेकिन फिर भी आपने इनको शामिल कर लिया कि चलो भैया साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को हराते हैं। लेकिन जिनके पास दो दो सांसद है, जिनका एक पूरे भारत के अंदर एक पहचान है, अलग अलग राज्यों में जिनके वोटर्स हैं, जिनके लोग दीवाने बने पड़े हैं, आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं और आप उनको ये
कह देते हैं कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, आप ये कह देते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप उनको शामिल नहीं करते हैं, और हकीकत इनके दूसरे नेता क्या कहते हैं कि भैया ये महागठबंधन के अंदर शामिल होना नहीं चाहते हैं। दूसरे नेता जो इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग जगहों पर नेता है, कुछ नेता क्या कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी जो है हम बुलाते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होना ही नहीं चाहती है, वो अलग थलग रहना चाहती है, वो अलग चुनाव लड़ना चाहती है, इससे ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो सके। तो ये देखिए किस तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए इसमें है क्या, जो लोग जानकार है उनको तो पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उन वो लोग तो यही समझेंगे कि ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन के अंदर लोग बुला रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं होना चाहती है, इसीलिए क्योंकि ये बीजेपी के लिए काम करती है इसीलिए शामिल नहीं होना चाहती है। तो समझिए किस तरीके का पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर कांग्रेस के दूसरे एक्स एमएलए या एक्स एमपी ये कह देते हैं कि भाई ओवैसी की पार्टी को भी शामिल हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए का क्या मतलब है? हो जाना चाहिए का इन्होंने खुद का, इनको क्या आपने न्योता दिया है? एक भी मीटिंग में आपने इनको इन्विटेशन कार्ड भेजा है? आपने उनको बुलाया है कि भाई एमआईएम को पार्टी को ओवैसी साहब आप भी इस हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग है, कर्नाटक के अंदर मीटिंग है, आप आ जाइए, आप आना चाहें तो आप आकर हमारे गठबंधन के अंदर शामिल हो सकते हैं। आपने न्योता भेजा है क्या? आपने इन्विटेशन कार्ड भेजा है क्या? नहीं भेजा है आपने। जब आपने भेजा ही नहीं है तो आपके दूसरे मंत्री या दूसरे नेता इस तरीके का कैसे बयान दे सकते हैं कि भाई आप भी शामिल हो जाओ? कैसे शामिल हो जाओ, क्या है मतलब? जाओ और क्या हलवा पूड़ी बना हुआ है जाके खा लो। अब समझ, इसका एक प्रोसेस आप भेजिए उनको और बताइए लोगों के सामने, मीडिया के सामने कि देखो हमने इस तरीके का इन्विटेशन कार्ड एमआईएम पार्टी को भेजा था, एमआईएम पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब हम लोग मानेंगे कि एमआईएम की गलती है। एमआईएम वाले खुद कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लो, आप उनको शामिल ही नहीं करना चाहते हैं, आप उनको इन्विटेशन कार्ड नहीं देना चाहते हैं। वही नहीं, बीआरएस इतनी टीआरएस जो है पहले था, अब जो बीआरएस हो गया, इतनी बड़ी पार्टी है, 9-10 एमपी है उनके पास, तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, आप उनको इन्विटेशन कार्ड तक नहीं भेजते हैं। तो समझिए इस तरीके का सिचुएशन बना रहे हैं ये लोग, इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं और इससे साफ ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई गलती जो है एमआईएम पार्टी की है, इसीलिए जो है हम लोग सही है, एमआईएम पार्टी गलत है, यही कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, यही बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसीलिए जो है इनको शामिल नहीं किया जा रहा है या ये शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझदार है, लोग सोशल मीडिया का टाइम है, अब लोगों को पता चल जाता है कि किस पार्टी का क्या मंशा है, किस पार्टी के क्या मकसद है, कौन किसके साथ गठबंधन होना चाहता है, कौन किसके साथ गठबंधन नहीं होना चाहता है, ये अब सबको पता है, सबको ये जो है हालात और स्टेटस सबको पता चल जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है। लेकिन हम सब इस बात पर पकड़े अटल है और इस बात को, इस पॉइंट को पकड़ कर रखे हुए हैं कि भैया अगर आप ऐसे 10-12 पार्टियों को शामिल कर लेते हैं अपने गठबंधन के अंदर जिनके पास 0 सांसद है, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है और जिनको लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, उनको आप शामिल कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास सांसद है, 2-2 सांसद है, जिनके पास जो है 10-12 एमएलए है, अलग अलग राज्यों में है, तेलंगाना के अंदर है, बिहार के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, जो जिसके अलग अलग राज्यों में वोट है, आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं और ये कह देते हैं कुछ लोग, कुछ नेता ये कह देते हैं आप ही के नेता में से कि ये शामिल नहीं होना चाहते हैं, कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये इनको शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्टेटस है, ये जो जनता को बताने की कोशिश करते हैं, ये सरासर गलत है, ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको शायद स्टेटस पता नहीं है, इनको सिचुएशन पता नहीं और इस तरीके का बयान दे देते हैं। डुमरी के अंदर जो उपचुनाव है उसी का ये बौखलाहट है, उसी की वजह से है वो जनता को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 तारीख को वहाँ पर चुनाव है, वैसे साहब वहाँ पर आकर गए हैं, तो एक माहौल बनने की कोशिश हो रहा है डुमरी के अंदर, और पिछले बार भी डुमरी के अंदर 24,000 से ज़्यादा वोट लाए थे यही उम्मीदवार मौलाना मुबीन रिजवी साहब, और इस बार भी जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये बौखलाहट है और इसीलिए शायद इस तरीके का स्टेटमेंट और बयान है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।